बच्चे हो आप वही दीजिए। नहीं नहीं बच्चे नहीं, अब तो बच्चे कूचे हैं। आप तो कूचे हुए हो, बच्चे हुए तो हो नहीं, लेकिन बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। आदरणीय श्याम जी का ये शहर है। मैं भी सच मानिए रतनगढ़ से मेरा परिचय पहला जो था वो उन्हीं के द्वारा था, तो मेरा मन है कि एक बार मेरे लिए श्रद्धा सुमन आपके तालियों द्वारा उन तक पहुंचे। तो मैं अपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आदरणीय प्रवीण अत्रे जी से शुरू हुआ और आदरणीय बादल जी तक पहुंचा। सबको आपने बहुत मन से सुना, उत्साह से सुना। मैं भी आपके उसी स्नेह की आकांक्षी हूँ जिस स्नेह से आपने सभी को सुना है। कुछ और सुनाना चाहती थी, लेकिन जिस आनंद में आप लोग हैं, जिस उत्साह में आप लोग हैं, निश्चित रूप से उसे कम नहीं करूँगी। यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करती हूँ। ये तो पूरा आनंद में ही रहते हैं। ये रतनगढ़ के लोग हैं, बहुत सारे चैनल तो रात को इस समय बिना आवाज के देखते हैं। नहीं वो तो मैं इनके टेस्ट से समझ गई, जो इतनी रात को आपको सुन और देख रहे हैं। ये गलत फहमी मत पाल, ये तेरे को ही देख रहे हैं। इतना वेंडा नहीं है रतनगढ़ वाला, ये 2 रुपये की कुल्फी खरीदे तो भी चारों तरफ चाट के मजा लेते हैं। अभी तो इन्होंने कुल्फी खरीदी है, चाटना तो अब शुरू होगा। शुरू करो आप। बहुत देर से छेड़ रहे थे आदरणीय दादा को, क्या क्या कह रहे थे। दादा भी मुस्कुरा के स्वीकार कर रहे थे। नहीं नहीं वो दादा नहीं, वो दादा श्री हैं। मध्य प्रदेश में आप बैठे हो, यहाँ तो वैसे भी दिग्विजय जी ने बताया है कि प्रेम किस उम्र तक किया जा सकता है। नहीं नहीं वो तो किसी और के लिए, वो तो किसी और के काम पे लगे थे। किसी ने कहा था मेरे लिए ढूंढ के लाओ, ढंकी लगी तो पट्टे उन्होंने ही रख ली। आप इनके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी आदरणीय राजू दादा कह रहे थे कि इनसे आपको शिक्षा लेनी चाहिए, ये आपके आदर्श हैं। तो 4 पंक्तियां मेरी भी सुनिए कि बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं। बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आँखों से पीते हैं। तो आप इसी आनंद में रहिए। क्या बात, दो दो पदों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। बुजुर्ग हैं, खुल के जीते हैं, वो दादाजी आज खुल के जी रहे। वो जीना चाह रहे पर आप उनको जीने नहीं दे रहे हैं। दादाजी चश्मे वश्मे साफ करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ मैं क्यों नजर आऊंगा यार? मैं कि ये, अरे थाली में गुलाब जामुन रखा हो तो कांदा कौन खाएगा? नहीं सच में चश्मा हटा लूं तो नजर नहीं आते, बुजुर्गों का कॉन्फिडेंस कमाल का है। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। अब चमक, चौथी पंक्ति आपको और आनंद देगी कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। तो आप आनंद में रहिए। मैं दो दो पदों से आपसे जुड़ती हूँ, विसंगतियों को गाने का प्रयास करती हूँ। जैसा आप सुनेंगे मैं सुना दूंगी। मुझे कविता और कवि सम्मेलन दोनों आते हैं, तो मैं सिर्फ आपका रंग देखती हूँ कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, फिर मैं अपनी बात तक आती हूँ। सुनिए। स्वागत। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया। देखना नहीं है, सिर्फ ताली भी बजानी है। आप तो इतना डूब गए देखने में कि ताली बजाना ही भूल गए। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। पहली ताली दादा ने बजाई है।
नहीं आप तो मतलब तुम तो रहे नहीं तो सुनिए, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। अच्छा ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहे, हमारा अधिकतम समय इस मोबाइल पे जाता है और ये नौजवान पीढ़ी जो है ये बस डीपी को जूम करने में अपना टाइम निकाल देती है। मैं दो पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा ये जो पीछे का मोहल्ला है इतना शांत आप लोग बैठे हैं, अगर आप भी जीवंत हैं तो एक बार तालियां बजाकर बताइए कि आप भी। नहीं सच में कमाल के श्रोता हैं आप। नहीं नहीं वो जीवंत तो हैं पर बीच में टीआई साहब फंसे। पार्थ आकर कह रहे थे कि पुलिस भी कविता सुन रही है, उनके हाथ में खाने पीने की वस्तुएं हैं, जब पुलिस के हाथ में कुछ खाना पीना हो तो वो कविता क्या कुछ भी सुन सकती है, तो मैं उन्हें भी वंदन करती हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, सुनिएगा फिर पदों से जोड़ती हूँ। आदरणीय बल्लू भाई बहुत सारी बात कर रहे हैं, दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ सुने। दे दे। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, पटे। रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई हो। अच्छा अब दादा ने खड़े होकर ताली बजाई है, दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा पांच राज्यों में चुनाव हुए लेकिन चर्चा में एक राज्य रहा, मेरी अपनी राजनीतिक दृष्टि आप तक पहुंचाती हूँ सुने। कि रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, उसमें साइकिल कोले डूबा बाबा का बुलडोजर, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये जो सामने बैठे हैं बेटा तू पलक भी थोड़ी देर झपका ले, तुम जो हो वो छठी के विद्यार्थी हो और एमए की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, ये संभव नहीं है। ये रतनगढ़ के छोरे हैं, भले छठी के विद्यार्थी हैं एमए की किताब नहीं पढ़ने में आवे तो भी फाड़ फूड़ से देते ही है। ध्यान रखना जिन्होंने पुस्तकें फाड़ी वो बलवंत बल्लू बने हैं, अगर तुम्हें ऐसा नहीं बनना है तो पुस्तक फाड़ो मत पढ़ो और वो भी दूर से पढ़ो। सुनिएगा दो पंक्तियां। नहीं कहीं समझ में नहीं आवे तो पुस्तक रे ऊपर अवरी पत्तो चिपकाओ। अवरी पत्तो? हाँ तन्नी खबर पड़े वो। मने तो सब खबर पड़े, मु राजस्थान और एमपी दो रो पानी पीतो था। तने अवरी पत्तो खबर नहीं पड़े, तने ममरी पत्तो खबर पड़े। मुझे मालूम है ये बोलते रहेंगे। अच्छा संचालक जो होता है वो अलग सा बैठा दिया जाता है और उसे एक छोटा माइक दे दिया जाता है जिससे वो छोटी छोटी बातें किया करता है, जिसने अपने सुख के खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, और इन्हें अलग बैठा कर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अगर पसंद आया तो एक बार पूरा सदन तालियों से। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ताश के पत्ते खरीदे होंगे, आज तक ऐसा कोई पैकेट मिला जिसमें जोकर नहीं हो, और कभी 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 काली का इक्का या लाल का इक्का घूम जाए तो उस जोकर के ऊपर काली का इक्का बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अब इस लड़की को पता ही नहीं है जोकर जो है ना वो सोकर का काम करता है।
सप्लीमेंट्री का काम जरूर करता है, पत्ते मैंने भी खूब खेले हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप खेलते हैं। मैंने पत्ते पाउडर वाले नहीं खेले हैं, हाँ रद्दी पत्ते खेले होंगे, पाउडर वाला तब आया है। अब आप अपने आप को चाहे जो बना लो, लेकिन चार पंक्तियां हौसलों की मैं भी घर से लेकर निकलती हूँ कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। आ गई समझ में? तूने सोचा तेरा तो पत्ता क्लियर है। हाँ वापिस से पढ़ क्या कह रही है? हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। अच्छा एक बात बता, तुम हो कर रहे हो मेरी तरफ, हो किसकी तरफ हो यार? आज तक जितना श्रोता है ये, आज तक जितना भी पुरातत्व का सामान मिला वो सब खंडरों से मिला। अब इसको मालूम ही नहीं है, आज सोना जहां, जहां से आज की तारीख में सोने की खान कहां होती है? खंडर में होती है। चांदी की खान कहां है? जिंक की खान। आपरो घणो अनुभव खंडर रो, इसलिए मैं कह रहा हूं खंडरों का उपयोग किया कर। जहां सोने और चांदी की खदानें होती है वहां टिकट लगते हैं खंडरों के, जो ऐसे खंडर होते हैं वो बेजान ही पड़े रहते हैं, आप रहने दीजिए। एक बात कह दूं, मैं खंडर वंडर नहीं हूं, मैं सच में अलग टाइप का आदमी हूं, मैं वीराने में चलूं तो गुलशन बना दूं, मुर्जाए आलम को सावन बना दूं, और मैं मेरे बाप की वो ला दूं जो किसी अभागन को चूलू से सुहागन बना दूं। एक बार तालियां वालियां बजाओ यार। हां चलो गीत सुना। आ, क्या बोला आपने? क्या आप बोला? गीत सुना दे। कहीं नहीं नहीं को अरे तो... नहीं बैको कदम से क्या क्या कर लो आप, ये मेरे को सुनो। रात निकल रही है, गीत सुना। वीराने को छूलू तो सावन बना दूं। अच्छा नहीं वो तो लास्ट में था। वीराने को छूलू तो सावन बना दूं और पुनित पावन बना दूं, ये तो सब ठीक है बल्लू जी। सुहागन भागन को सुहागन फिर कभी बनाना, पर घर जाके पहले सुहागन को सुहागन बना दो, ये करो आप तो रहने दो। लेकिन बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, ये जो आनंद एक, है एक, एक, एक मिनट, घर जाके सुहागन को सुहागन बनाऊं पर किसके घर? अब बताइए इनके आदर्श। चलो ये आंदोलन समाप्त। अच्छा गीत सुना, गजल सुना, आने लो ताली वाली बजाओ। सच है ये जो आनंद है, ये आपसे जुड़ने का एक क्रम है। आदरणीय राजू दादा ने जो माहौल बना दिया था, मुझे अपने तक आपको लाने के लिए इस क्रम का सहारा लेना पड़ा। आदरणीय विनीत भैया हमारे बाद आने वाले हैं, हालांकि वे इन चीजों से चिढ़ते हैं, पर आज वे भी आनंद ले रहे हैं। ले रहे हो ना, ताली बजा के बताओ। समय के अनुसार। अच्छा नहीं नहीं वो मालवा में आने पर नहीं चिढ़ते, इनको मालवा के दाल बापले बहुत पसंद है। एक बार तालियां बजाकर मुझे अनुमति दीजिए, मैं उस क्रम तक आती हूँ जिसके लिए जानी जाती हूँ। कुछ मुक्तकों से जुड़ती हूँ, मूलतः श्रृंगार की कवियत्री हूँ। सच मानिए मैंने अपने जीवन में कुछ किया तो सिर्फ प्रेम किया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, एक बालक को जन्म दिया तो सच मानिए आज मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसको जीने के लिए परमात्मा को भी सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। मैं उस प्रेम की कवियत्री हूँ, उस प्रेम की अभिलाषा आपसे करती हूँ। कुछ पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, मैं स्वयं में क्या देखती हूँ, चार पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा
दीवानी तो मुझ में भी है, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। कैसा लगा मुझे यहाँ आकर? अपना अनुभव इन चार पंक्तियों में आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। आप ताली नहीं बजा रहे हैं, कवि का थोड़ा मन टूटता है। तालियां किसी कविता का मापदंड नहीं होती, लेकिन आपकी ऊर्जा हम तक पहुंचती तो हम और उत्साही होकर आप तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। मैं पुनः कोशिश करती हूं, सुनिएगा। कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए यहां से खड़े होकर श्रृंगार सुनाना बहुत कठिन होता है। आदरणीय राजू दादा मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा भुवन मोहिनी, चार पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ कि मुझे कैसा श्रृंगार समझ में आता है, सुनिएगा। कि नयनों ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर, नयनों ने नयनो ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मोहल्ला है थोड़ा सा खामोश है, एक बार आप भी ताली वाली बजाकर ऊर्जा दीजिए। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ और फिर अपना स्थान लूंगी। ढाई मिनट का ये गीत है, आप सुन लेंगे तो ठीक, नहीं तो गीत को आधा छोड़ दूंगी, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, ये तो नौजवान पीढ़ी है, जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, और जरा ठहरें उड़ाएं ना किसी की याद में नींदें, जरा जरा ठहरें उड़ाएं ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां कर लें। तो अपनी मस्ती जिंदा रखिए, एक बार मुझे तालियां बजाकर स्वीकृति दीजिए, मैं गीत सुनाती सुने। चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। अगर आप भी अपने आप को पिछड़े वर्ग का नहीं समझ रहे हो तो तालियां बजा दीजिए। चल 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 परदेसी, चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू राह न अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी कुछ चेहरे हैं जो मैं देख रही हूँ, सच मानिए इतनी मनहूसियत से बैठे हैं,
मैं गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो लक्ष्मी नारायण जी भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी, सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी, प्यार बिना हर तीर्थ सोना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। अच्छा, ये जो है मोहल्ला, जैसे ही मैं इधर देखती हूँ ताली बजाने लगता है, और जैसे ही मैं इधर देखती हूँ ताली बजाना बंद कर देता है। बहुत ही चतुर लोग हैं आप, सुनिएगा। कि प्यार बिना हर तीर्थ सुना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी, दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है, गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। ये जो पीढ़ी आगे बैठी है, ये मैं अगला अंतरा आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। शर्मा इतने जाते हो तुम, जवान लोग इतना शर्माओगे तो पूरा काव्य पाठ बुजुर्गों के लिए करना पड़ेगा। सुनो, सुनाती हूँ। मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीज़न मांगते हैं, और ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ऑफ सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। सुनिएगा, मैं सुनाती हूँ दूसरा अंतरा। कि हर गोरी घूंघट पटकायू, पर्दा उठा रही है, रिझा रही है, जो स्टेशन खाली गाड़ी, सीटी बजा रही है, बुला रही है, खेल ले अपनी पारी तू, छोड़ दे अब लाचारी तू, खेल ले अपनी पारी तू, छोड़ दे सब लाचारी तू, इतना सोच समझ मत बंद, गाड़ी जाए निकल, चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल। अंतिम बंद गीत का सुनाती हूँ। आप भी माइक तो देख रहे हैं, लेकिन एक बार तालियां भी बजा सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि जो माइक वाले होते हैं वे ताली नहीं बजाते, तो आप भी तालियां बजाकर उत्साह दे सकते हैं। मैं सुनाती हूँ गीत का अंतिम बंद। इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, सबके भीतर एक गीतकार है, सभी को समर्पित करती हूँ। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फना, ये 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल, चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेस। आपने बहुत अच्छा सुना। अंतिम चार पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेती हूँ। इस मंच से सारी बात हुई, सारे विषय छुए गए, लेकिन एक विषय जो अनछुआ रहा, उसे मैं प्रयास करती हूँ छूने का। इस मंच पर दो बेटियां बैठी है जो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आपके यहाँ पर महिला का ये बोर्ड लगा है, मैं बहुत खुश होती हूँ जब बोर्ड पर महिलाओं के चित्र होते हैं कि नारियां प्रगति कर रही है। मध्य प्रदेश से एक नारा चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यूएसए में उस नारे को चलाया जाता है। चार पंक्तियां मैं तर्क के साथ पढ़ती हूँ कि क्यों घर में बेटी का होना आवश्यक है। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, कविता को आप समर्थन दे रहे हैं, आप सभी के सामने चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। आपकी उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कि सकल कल्याण की घर में
तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वाह 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 वाह। कई बार मंच से कई कवि कहते हैं कि केवल बेटियों की ही बात क्यों की जाती है, क्या बेटे बाढ़ में बहकर आए। पुनः चार पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि ना उनकी आंख यू फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यू फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। सभी के परिवार से उन्हें कुछ संस्कार मिलते हैं। मेरे परिवार के क्या संस्कार है, चार पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़े। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।